अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस स्टाइल कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से पेंडेंट ईयर रिंग डिज़ाइंस दिखा रही हूँ। सॉरी, पेंडेंट चैन डिज़ाइंस मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रही हूँ। लॉकेट चैन आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। रेलियोज़ के लिए भी डिज़ाइंस हैं, फैंसी स्टाइल्स में भी डिज़ाइंस हैं, लाइट वेट के डिज़ाइंस आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। 18 कैरेट गोल्ड के साथ मैं आपको डिज़ाइंस दिखा रही हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से डिज़ाइंस आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही स्टाइलिश और डिफरेंट से डिज़ाइंस आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो वीडियो ज़रा एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टोन फिटिंग के साथ भी आप लोग डिज़ाइंस देख रहे हैं, कुछ ही प्लेन स्टाइल में आप लोग डिज़ाइंस देख रहे हैं, डिफरेंट शेप्स के साथ बहुत यूनिक, बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, न्यू डिज़ाइंस, न्यू कलेक्शन आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप लोग ऑर्डर पर बनवाना चाहें तो आप लोग ये डिज़ाइंस ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। ये देखें, सिंगल स्टोन के साथ भी डिज़ाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ और इसके अलावा गुजराव स्टाइल में भी डिज़ाइंस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरी दूसरी वीडियोस की तरह आप लोगों को ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।